अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निकल हूं। आज मैं आपके सामने Asus की ZenBook Pro 15 UX 580 लैपटॉप लेके आया हूं। ये लैपटॉप आज इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसका हम फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए करेंगे और देखेंगे कि ये लैपटॉप कैसा है। तो इस लैपटॉप की अगर हम स्क्रीन साइज की बात करें तो ये आपको 15.6 इंच की है, जो कि आपको LED बैकलाइट पोर्ट के UHD के साथ आता है। इसके अलावा इस लैपटॉप का जो टच पैड है वो एक तरीके से स्क्रीन पैड है, जो कि आपको 5.5 इंच के फुल HD सुपर IPS पैनल के साथ आता है। अगर हम बात करें इसमें पोर्ट्स की, तो इसमें आपको दो USB टाइप सी जनरेशन 2 के थंडरबोल्ट 3 USB पोर्ट दिए गए हैं। HDMI पोर्ट है और साथ में इसके बगल में DC जैक दिया गया है। अगर हम दूसरे साइड पोर्ट की बात करें तो यहाँ दो USB पोर्ट दिए गए हैं, जो नॉर्मल वाले होते हैं। उसके बगल में माइक्रो HD कार्ड स्लॉट है, उसके बगल में आपको 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। तो ये तो बात हो गई इसके पोर्ट्स की। अगर हम इसके कीपैड की बात करें तो कीपैड इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है, जो कि फुल साइज है। और अगर हम बात करें तो इस लैपटॉप में आपको, आप देख सकते हो, इसमें आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर एरिया दिया गया है और इसमें आपको हार्मन कार्डन की स्पीकर भी दिए गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर एरिया है, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है आपको स्क्रीन पैड और इसको जब हम ऊपर से नीचे करते हैं तो यहाँ पे इसके सारे फंक्शंस दी गई है, जैसे कि कैलकुलेटर है और बहुत सारी चीज़ें। और ये आपको कीबोर्ड है, जो कि आपको बैकलाइट के साथ आता है। तो ये तो सारी बातें हो गई इसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशन की। आइए अब हम इसके स्क्रीन पैड के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो स्क्रीन पैड है ये आपको 5.5 इंच का है, जो कि आपको फुल HD सुपर IPS प्लस पैनल के साथ आता है। ये मैंने कैलकुलेटर ऑन किया था। अब हम यहाँ पे देखिए कैलेंडर को ऑन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कैलेंडर को यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। आइए अब हम और क्लोज से यहाँ पे हम स्क्रीन पैड के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको कैलेंडर को क्रॉस करेंगे। इसके ऊपर से स्लाइड करने के यहीं पे आपको सेटिंग्स मिलेगा, यहीं पे और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पे आप डिस्प्ले का जो एरिया उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर फिर से है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आपको स्क्रीन पैड है आपको एक तरीके से टच पैनल के तरह काम करेगा, जैसे कि नॉर्मल लैपटॉप में होता है। इसी के थ्रू आप आराम से अपने लैपटॉप पे सारे काम को काफ़ी आसानी से कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको करता हुआ दिख रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं, आप देखिए, मैं इसके सेटिंग एरिया के अंदर गया हूँ यहाँ पे। और अगर हम बात करें इस लैपटॉप में, तो लैपटॉप के अंदर जो आपको प्रोसेसर दिया गया है, दो टाइप के प्रोसेसर में आपको लैपटॉप मिलेगा। एक है आपको इंटेल कोर i9 8950H के, दूसरा इंटेल कोर i7 8750H। इसमें रैम जो है ये आपको 16 GB DDR4 2400 mAh का मिलेगा। अगर हम बात करें हार्ड ड्राइव की, तो इसके अंदर 1 TB की SSD ड्राइव आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों से लैस आपको, ये आपको Asus का ZenBook Pro 15 UX 580 है। होप आपको मेरा ये फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा चैनल जो कि टेक्निकल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सकें। अगला वीडियो लेकर मैं जल्द आऊँगा। तब तक सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।